गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आज मैं अभी सुबह से व्लॉग चालू कर रही हूँ, और सुबह मैं एक अर्ली मॉर्निंग से नहीं चालू कर रही हूँ। ये अभी बज रहा है 10:30, हम लोग सब नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, तो मैंने अभी अपने दोनों बच्चों को नहलाया है, तो इन लोगों को तैयार कर रही हूँ। तो बस इन लोगों को तैयार कर रही हूँ, तो ये देखो मेरी बेटी आज स्कूल नहीं गई है, इसका नाम नव्या है। तो ये कैमरे के सामने बार बार आने की कोशिश करी, कह रही थी कि मम्मी मेरे को नहीं आने देते हो कैमरे के सामने। मैं नहीं जाना आने देती हूँ इसको, कि इसका ध्यान इधर जाएगा तो पढ़ाई उड़ाई पे कम ध्यान देगी। तो आज स्कूल नहीं गई है, तो बस मस्ती कर रही है। तो बस इन लोगों को तैयार करने के बाद आज मुझको गेहूँ साफ़ करना है, तो मैं गेहूँ साफ़ करूँगी। मम्मी ने पहले से इसको धुल दिया है, मेरी सासू माँ ने, तो गांव से आता है गेहूँ, तो उसको धुल उल लिया है। तो ये अब मैं उसको बिन लूँगी, उसमें कंकड़ वगैरह कुछ रह जाता है, तो उसको साफ़ करके फिर इसको आटा पिसवाने के लिए दे देंगे धूप दिखाकर। तो पहले से साफ ऑफ करके रख लिया, तो जब धूप निकलेगी तो उसको पिसने के लिए डाल देंगे, क्योंकि अभी बारिश वारिश का मौसम है तो धूप का कोई भरोसा नहीं रहता है, इसलिए पहले से साफ रहेगा तो ठीक रहेगा। और अब मैं जा रही हूँ लंच बनाने। लंच में मैं तहरी बनाऊँगी खाली, तो तहरी में बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और अभी गेहूँ साफ़ करते करते तहरी बनाती हूँ। फिर चलिए फिर बाद में मिलती हूँ, तब तक देखिए आप मेरी वीडियो। तो मुझे गेहूँ साफ़ करते करते काफ़ी लेट हो गया था, तो अब इतने 1 बज गया है, तो इतनी जल्दी मैं क्या बना पाती, तो मैं अब तहरी ही बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, तहरी ही बनाऊँगी। तो उसके लिए मैं टमाटर है, प्याज है और आलू डाल के बनाऊँगी, तो इन सबको छील लिया है, और छीलने के बाद उसको धुल दूँगी। और अब यहाँ चावल भी मैं धुल लेती हूँ उसी लगातार साथ में, और जब तक मैं सब्जियों को कट करूँगी इतनी देर में मेरे चावल भी थोड़े 5 मिनट के लिए फूल जाएंगे अच्छे से, पानी में धुल के भिगो के रख देती हूँ इनको। तो अब यहाँ सब्जियाँ जो छील के रखी इनको काट कर लूँगी फिर मैं। तो मैंने यहाँ पे गैस में कुकर चढ़ा दिया है, और मूँगफलियों को भूंज लूँगी इसी कुकर में ही, क्योंकि मैं ज़्यादा बर्तन यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे बर्तन मुझे को धुलना है, तो सोचती हूँ कम से कम बर्तन निकले, तो मैं कुकर में ही फ्राई कर लूँगी मूँगफलियों को। इसी में ऑयल डाल के मैंने फ्राई कर लिया है मूँगफलियों को पहले, फिर मूँगफलियों को निकाल के मैं इसी में प्याज अच्छे से ब्राउन होने तक भूंज लूँगी। और फिर मैं इसमें आलू भी इसी में डाल दूंगी, अभी मसाले नहीं डालूंगी, ताकि ये प्याज के साथ मेरे आलू भी फ्राई हो जाएंगे। और अब मैं इसमें मसाले में मैंने हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर डाला है, और इसके बाद फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर मेरे जब गल जाएंगे फिर मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। तो मैंने यहाँ 1 गिलास चावल लिया था, तो अब मैं इसको भूंज के और फिर मैं इसमें पानी नमक डाल दूंगी, नमक टेस्ट के हिसाब से, और फिर इसमें करीब 2 गिलास पानी ऐड करूंगी। तो बस, और मैं मूँगफलियाँ जब भूंज रही थी, देखी मेरी मूँगफलियाँ ख़राब हो रही हैं, तो बाकी जो मूँगफलियाँ बची थी मैं इनको भूंज कर स्टोर करने के लिए रख दूँगी, तो इसलिए भूंज के रखूँगी तो ख़राब नहीं होंगी। यहाँ मैं
ज़्यादा रोटियाँ नहीं सेक रही हैं, पापा जी के लिए रोटियाँ सेक रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा चावल नहीं खाते हैं, तो बस वो रोटी खाएंगे, बाकी सब तो तहरी ही खा लेंगे। तो ये देखिए तहरी बन के तैयार हो गई है मेरी, और मैं सब लोग खा लिए हैं, तो मैं यहाँ अपनी बेटी को खिला देती हूँ। बस सब लोग खा पी चुके हम लोग, तो यहाँ बर्तन भी मैं धुल लेती हूँ। शाम हो गई है, अभी हम लोग चाय वाय पी चुके हैं, तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड कर देती हूँ क्योंकि अभी मैं कुछ रेसिपी बनाने जा रही हूँ जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो देखिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो कि आज मैं क्या बनाऊंगी, मेरे कल आने वाली वीडियो में पता ही चली जाएगा आप लोगों को कि आज ही शूट कर रही हूँ उस वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बस, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप लोग बताइएगा मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए आप लोगों को। तो बाय बाय दोस्तों।